खेल जगत और फिल्मी जगत की तो इनका नाता कोई आजकल का नहीं है बल्कि सदियों पुराना है। मशहूर एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर के पति मंसूर अली खान पटौदी से लेकर अनुष्का शर्मा के हस्बैंड विराट कोहली तक काफी सारे क्रिकेट प्लेयर्स ने फिल्मी जगत की अभिनेत्रियों पर अपना दिल लुटाया है और इसी लिस्ट में अब एक और नया नाम जुड़ने जा रहा है जो कि है आथिया शेट्टी और केएल राहुल का। पता है आपको, जहां इनमें से कुछ मिक्स जोड़ियों का रिश्ता सिर्फ प्यार तक रह गया, वहीं कईयों के प्यार का सफर शादी तक पहुंच गया। तो आइए इसी सीक्वेंस में जानते हैं बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों के बारे में जिन्होंने धर्म की सीमाओं तक को लांघ कर अपना जीवन साथी भारतीय क्रिकेटर्स को बनाया। अच्छा, आप सब मानते हैं नहीं, ओल्ड इज गोल्ड, राइट? तो आइए हम अपनी इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं सबसे पुराने कपल से, जो कि हैं इंडियन टीम के पूर्व कप्तान मंसूर अली खान पटौदी और फिल्म अभिनेत्री शर्मिला टैगोर। इन्होंने नवाब अली खान पटौदी संग शादी की थी। ये शादी 27 दिसंबर 1969 को हुई थी। माना जाता है कि दोनों की पहली मुलाकात कलकत्ता में एक पार्टी के दौरान हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच प्यार हुआ और फिर दोनों ने शादी करी। शर्मिला टैगोर हिंदू थी, इसलिए नवाब पटौदी से शादी करने के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था। अच्छा, अब हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं गीता बसरा और हरभजन सिंह। 2007 में आई द ट्रेन फिल्म में इमरान हाशमी के साथ काम कर चुकी गीता बसरा ने हरभजन सिंह के साथ 29 अक्टूबर 2015 में शादी की थी। गीता बसरा ने कई बॉलीवुड फिल्मों के साथ पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। कहते हैं कि दोनों एक दूसरे को लगभग 5 सालों तक डेट कर चुके थे। दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम हिनाया हीर प्लाहा है। तीसरे नंबर पर है साध्विका घाटक और जहीर खान। शाहरुख खान की चक दे इंडिया तो आप सभी ने देखी ही होगी, उसमें साध्विका ने हॉकी प्लेयर प्रीति सभरवाल की भूमिका निभाई है। अच्छा, तीसरे नंबर पर है साध्विका घाटक और जहीर खान। शाहरुख खान की चक दे इंडिया तो आप सभी ने देखी ही होगी, उसमें साध्विका ने हॉकी प्लेयर प्रीति सभरवाल की भूमिका निभाई है। जहीर खान ने साध्विका घाटी के साथ 23 नवंबर 2017 को शादी की थी। कहते हैं कि जहीर खान पहली नजर में ही साध्विका के दीवाने हो गए थे। वहीं अलग धर्म होने के बावजूद साध्विका ने जहीर खान के साथ शादी रचाई। अब हमारी इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है हेजल कीच और युवराज सिंह। युवराज ने 30 नवंबर 2016 को एक्ट्रेस हेजल कीच के साथ शादी की थी। हेजल कीच ब्रिटिश मॉडल रह चुकी हैं। साथ ही हिंदी सिनेमा सलमान खान की बॉडीगार्ड के साथ ही तमिल फिल्म में भी नजर आ चुकी हैं। इसके अलावा वो कई आइटम्स नंबर्स में भी नजर आई हैं और कई रियलिटी शो का हिस्सा भी रह चुकी हैं। यूवी से शादी करने के बाद हेजल पंजाबी तौर तरीकों में रम गई हैं। उनका दूसरा नाम गुरबसंत कौर भी है। पांचवें नंबर पर है अनुष्का शर्मा और विराट कोहली। यस, द पावर कपल्स। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने 11 दिसंबर 2017 में शादी की थी। इन्होंने अपनी शादी इटली में की थी जो काफी चर्चा में रही थी। शादी से पहले दोनों काफी समय तक एक दूसरे को डेट भी किए थे। वहीं कहा जाता है कि दोनों की मुलाकात एक टीवी विज्ञापन के जरिए शूटिंग के दौरान हुई थी। और अब हमारी इस लिस्ट के आखिर में उस कपल का नाम है जो जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं और वो हैं आथिया शेट्टी एंड केएल राहुल। सुनील शेट्टी की बेटी और बॉलीवुड एक्ट्रेस आथिया शेट्टी जल्द ही भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल के साथ शादी करने वाली हैं। दोनों की शादी को लेकर फैंस पिछले काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों की शादी 23 जनवरी को होने वाली है। हालांकि अभी तक फैमिली की तरफ से इसे लेकर किसी भी तरह का कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। रिपोर्टर्स के मुताबिक केएल राहुल और आथिया शेट्टी की शादी खंडाला में होने वाली है। दोनों की शादी में इंडस्ट्री के साथ साथ क्रिकेट जगत के भी कई बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल होने वाली हैं। तो ये थे हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री और क्रिकेट इंडस्ट्री के मिले जुले कपल्स। आप सभी भी इस टॉपिक पे अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।